अभी जो आंदोलन चला हुआ पहलवानों का, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं देखो, इसको सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दुनिया में है और हमारे देश में भी ये एक मूवमेंट है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सशक्तिकरण महिलाओं का। और उस दिशा में जो शुरुआती अड़चन आती हैं, उन अड़चनों की एक कड़ी है ये, जिसमें हमारी महिला जो रेसलर पहलवान हैं बैठी हैं, और इनका जो बैठना है वो बहुत उचित है। क्योंकि जो समाज अपनी बेटियों को मैदान में उतारता है और फिर वो अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और दुनिया में, ओलंपिक हो चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो चाहे एशियाड हो, उसमें अगर वो आपके लिए नाम कमाती हैं और वो अपने विचारों की कहीं उनकी सुनने वाला ना हो, कोई फेडरेशन ना सुने, कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ना सुने, कोई स्पोर्ट्स काउंसिल ना सुने, तो उनको फिर आना पड़ता है और धरना भी देना पड़ता है, आंदोलन भी करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि धरना जायज ये जो चीज़ हुई है, जिनकी वो बात करते हैं, इन पे पूर्ण रूप से इंक्वायरी होनी चाहिए। और ऐसी इंक्वायरी जिसमें जो लोग इससे त्रस्त हैं, जो महिलाएं इससे दुखी हैं, उनको ये भी हो कि जिस भी विधि से, चाहे वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को एक इंक्वायरी कमेटी बैठा के कराए, चाहे पुलिस की कोई इंक्वायरी हो, चाहे जुडिशरी की कोई इंक्वायरी हो, जो भी हो, उसमें उनकी संतुष्टि बहुत अब जरूरी उनका है। कहना है कि वो पावर पोस्ट पे बैठे हुए हैं ब्रजभूषण, तो ऐसे में मामला दर्ज हो गया या तो गिरफ्तारी हो, इस प्रकार से जब तक एक्शन नहीं होगा तो कैसे मान के चलेंगे कि वो आदमी, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, अब ये तो अगली कड़ी की बात है। आज जो बैठी हैं उसके लिए मैं ये कहता हूं कि जिन मुद्दों को लेके उन्होंने जो विषय उठाए हैं, चाहे वो वुमेन मोलेस्टेशन की बात हो, चाहे उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हो जिससे, जो बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं, उनके बारे में जो वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके प्रोटेस्ट को अगर आप ये समझते हैं कि आप इंसाफ करें, तो इंसाफ दो ही तरीके से हो सकता है कि एक तो जो भी उसके अंदर इंक्वायरी हो वो पूरी संतुष्टि हो, और उसमें जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जो न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो। और न्यायिक मैं तो कहता हूँ, दिल्ली पुलिस ने भी जो उनके साथ व्यवहार किया है रात के टाइम वो रात के टाइम में, वो भी गलत है। कौन से विधान में, कौन से संविधान में और कौन सी ऐसी सहूलियतें कि आप, बारिश हो रही है, उन्होंने कहा कि हमारे को कम से कम, हम नीचे सोते हैं पानी भर गया है, हमारे को अगर हम किसी चारपाई पे सोएंगे तो कम से कम बच तो जाएंगे, वो सुविधाएं भी पुलिस ये कहे कि हम नहीं लेके आने देता। ये कौन सी मानवता है? ये कौन सा पुलिस का संविधान है? ये उन्होंने क्या गुनाह किया है? वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये चीज कहता हूं कि ये भी एक विषय है हाँ जिसमें ये धारणाएं बनाई गई हैं कि आप कहीं मोर्चे पे बैठे हो, कहीं आंदोलित हो, वहां आपको सोने के लिए चारपाई नहीं दी जाएगी, ये सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। आपकी जो जो बिजली है उसको काट दिया जाएगा। ये कोई, ये छोटी बातें हैं और इन चीजों से आप प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हो। एक एक नैरेटिव और इसमें बनाया जा रहा है कि पहले कहा कि एक ही प्रदेश के खिलाड़ी हैं, फिर कह रहे हैं एक ही जात के खिलाड़ी हैं। तो क्या खिलाड़ियों को इस प्रकार से जात पे, एक प्रदेश से जोड़ देना इसको? देखिए, ये तो ये जो बातें हैं, मैं इनमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर के लोग बात करते हैं। ये मैं ये मान के चलता हूँ नहीं, वो कि नहीं, मेरी सुन, ब्रजभूषण शरण का बयान है इस तरीके मेरी से। आप सुन लो, नहीं उनका ध्यान किसी का कुछ नहीं होता। ये नैरेटिव बनाए जाते हैं नहीं, खुद उन्होंने बयान दिया है ये कि
किसने बयान दिया? ब्रिजभूषण शरण ने। ना ब्रिजभूषण तो कुछ ही कहे, वो तो क्योंकि इंक्वायरी उसकी होनी है, अब वो तो अपने डिफेंस के लिए कोई ना कोई कहानियां बनाएगा, लेकिन इन कहानियों को जो तैराते हैं वो उसमें आपके मीडिया के लोग भी हैं। आप ये सोचें, कभी आपने सुना कि बॉक्सिंग का पावर हाउस कौन? क्यूबा। ठीक है, क्यों? छोटा देश है लेकिन बॉक्सिंग में दुनिया में छाया हुआ था। इस तरीके से अगर इंडिया में बॉक्सिंग की बात करें कौन? भिवानी। भिवानी तो रेसलिंग की कोई बात करे और वो कहे कि उत्तरी भारत के ही पहलवान है। हाँ। और बात भी सही है, जो जीतने वाले ज्यादातर जो हैं वो हरियाणा के हैं, पंजाब के, राजस्थान, दिल्ली और कुछ उत्तर प्रदेश से। ज्यादा हरियाणा ने रिजल्ट दिए, ज्यादा हरियाणा में। अब उनको ये छांट के बोले कि नहीं जी ये तो एक विशेष क्षेत्र के हैं, या मेरे को तो सुना कि एक विशेष अखाड़े के हैं, तो अगर कोई अखाड़ा आपके लिए मेडलिस्ट पैदा करता है तो उसको आपको क्या तकलीफ है? ठीक बात है।